अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई सोशल स्टडी क्लास वन पेज नंबर 33। कल हमने इसके मेक क्वेश्चंस फॉर दिस आंसर किए थे, आज हम इसका रीड एंड नंबर इन करेक्ट आर्डर करेंगे। रीड एंड नंबर इन करेक्ट आर्डर, हमने इसको पढ़ना है और बताना है कौन सा नंबर करेक्ट है, कौन सा नंबर किस जगह आएगा। रीड एंड नंबर इन करेक्ट आर्डर, पहले हमने इसकी रीडिंग करनी है, उसके बाद हमने करेक्ट नंबर राइट करने हैं। रीड एंड नंबर इन करेक्ट आर्डर। एवरीवन वाज टाइड एंड हंगरी। एवरीवन वाज टाइड एंड हंगरी। एवरीवन वाज टाइड एंड हंगरी। दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स होम। दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स होम। यू नीडेड आ न्यू बास्केट। रिमेंबर यू नीडेड आ न्यू बास्केट। रिमेंबर वाई डिड यू गिव हिम मनी। वाई डिड यू गिव हिम मनी। अब हमने इसकी पहले रीडिंग की थी ना, चैप्टर नंबर 5 मनी फॉर ग्रेप्स, और हमने इसको पहले रीड किया सारा। अब आप सब बच्चे यहाँ देखें, आप इसको रीड करें आप और देखें कौन सा नंबर किस जगह आएगा। एवरीवन वाज टाइड एंड हंगरी, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इसकी रीडिंग में, एवरीवन वाज टाइड एंड हंगरी, सब थक गए थे और सबको क्या हो गया था, भूख लगी थी। एवरीवन वाज टाइड एंड हंगरी, यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, नंबर 1। दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स होम, क्या उसके बाद वो घर चले गए थे। यू नीडेड अ न्यू बास्केट, रिमेंबर तुम्हें भी एक बास्केट की जरूरत थी, अहमद ने किटन से कहा था। व्हाई डिड यू गिव हिम मनी, तुमने उसे मनी क्यों दी। अब आप बताएं उसके बाद उन्होंने क्या किया था, जब वो थक गए थे उनको भूख लगी थी, उसके बाद वो क्या हुआ था, वो घर गए थे। ये किटन को नई बास्केट की जरूरत थी कि उसने पूछा था कि तुमने इसे मनी क्यों दी। Why did you give him money? Everyone was tired and hungry number 1 है। Why did you give him money क्या है, number 2। They started walking towards home, उसके बाद वो घर चले गए थे। You needed a new basket, remember? या अहमद उसे कहा था कि तुम्हें एक नई बास्केट की जरूरत थी ना, फिर हमें किसकी जरूरत होती है, मनी की। अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम नई चीज़ें खरीदेंगे ना। यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, नंबर 3। और उसके बाद उन्होंने जब ग्रेप्स खा लिए, उन्होंने बोला अब घर चलते हैं। दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स होम, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, नंबर 4। सबसे पहले नंबर 1 कौन सा है, एवरीवन वाज टाइड एंड हंगरी। नंबर 2 व्हाई डिड यू गिव हिम मनी। नंबर 3 यू नीडेड अ न्यू बास्केट, रिमेंबर। नंबर 4 दे स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स होम। सेलेक्ट द सूटेबल टाइटल, अब हमने देखना है यहाँ पे सूटेबल टाइटल कौन सा है मनी फॉर ग्रेप्स का। व्हाई डू वी नीड पेंसिल, क्या हमें पेंसिल की जरूरत होती है, क्यों हमें पेंसिल की जरूरत होती है। व्हाई डू वी नीड पेंसिल शार्पनर। व्हाई डू वी नीड इरेजर। व्हाई डू वी नीड मनी, अब हमारा सूटेबल टाइटल कौन सा है जो हमने मनी फॉर ग्रेप्स पढ़ा था। ये देखिए मनी फॉर ग्रेप्स है ना, चैप्टर नंबर 5, तो हमें किसकी जरूरत है यहाँ पर, मनी की। तो क्या होगा हमारा सूटेबल टाइटल, व्हाई डू वी नीड मनी। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है मनी फॉर ग्रेप्स, उसमें पेंसिल का जिक्र आया था नहीं, रेजर का भी नहीं था, शार्पनर का भी नहीं था, किसका था, मनी का। तो सूटेबल टाइटल हमारा क्या हुआ, व्हाई डू वी नीड मनी। यहाँ हमें क्या करना है, नंबर 4 पर टिक का निशान लगाना है। दिस लेसन इज अबाउट, ये जो लेसन है हमारा किसके मुतालिक है, टिगर्स के मुतालिक है, पेपर्स के मुतालिक है, फ्लावर्स के मुतालिक है, या मनी कौन सा है। दिस लेसन इज अबाउट किसके मुतालिक है हमारी लेसन, वेरी गुड मनी के। आपने कहा टिक का निशान लगाना है, मनी के। उसके बाद है पेज नंबर 34। पेज नंबर 34, हाउ डू पीपल अर्न मनी, लोग कैसे पैसे कमाते हैं। अब हमने बताना है हाउ डू पीपल अर्न मनी। आ
ग्रीन ग्रॉसर अर्न्स मनी बाय आ ग्रीन ग्रॉसर अर्न्स मनी बाय। कैसे मनी कमाता है ग्रीन ग्रॉसर जो होता है? ट्रेडिंग अस नो, टीचिंग करके नो, ग्रोइंग फूड फॉर अस नो, सेलिंग वेजिटेबल वेरी गुड। ग्रीन ग्रॉसर कैसे मनी कमाता है? उसके पास कैसे पैसे आते हैं? सेलिंग वेजिटेबल्स, जहाँ पर वो जब वो वेजिटेबल्स सेल करता है तो उसके पास क्या होते हैं? मनी आती है उसके पास। तो क्या हम यहाँ पे राइट करेंगे? सेलिंग वेजिटेबल्स। क्या राइट किया हमने? सेलिंग वेजिटेबल्स। ग्रीन ग्रॉसर अर्न्स मनी बाय सेलिंग वेजिटेबल्स। और डॉक्टर अर्न्स मनी बाय, डॉक्टर कैसे पैसे कमाता है अब आप बताएं जरा मुझे? टीचिंग करके, फिक्सिंग आवर टैप्स एंड पाइप्स नो, ट्रीटिंग अस वेरी गुड। जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना मेडिसिन लेने के लिए, तो फिर डॉक्टर को हम पैसे दे के उनसे मेडिसिन लेके आते हैं। तो डॉक्टर कैसे मनी कमाता है? पैसे लेता है ट्रीटिंग अस, हमारा ट्रीटमेंट करके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रीटिंग अस। अ फार्मर अर्न्स मनी बाय, फार्मर अब कैसे पैसे कमाता है? अब ये देखिए जरा, फिक्सिंग आवर टैप्स एंड पाइप्स नो, टीचिंग करके नो, ग्रोइंग फूड फॉर अस, जो फार्मर किसान होते हैं वो हमारे लिए फल सब्जियां वगैरह उगाते हैं ना, हम उसे गंदुम लेते हैं खाने के लिए, चावल लेते हैं। तो फार्मर जो है वो कैसे पैसे कमाता है? ग्रोइंग फूड फॉर अस, हमारे लिए सब्जियां उगाते हैं वो। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? ग्रोइंग फूड फॉर अस, अ फार्मर अर्न्स मनी बाय ग्रोइंग फूड फॉर अस। ये देखो ऊपर भी लिखा हुआ है ना, ग्रोइंग फूड फॉर अस। और कॉबलर अर्न्स मनी बाय, जो कॉबलर होते हैं जो जूता सही करता है वो कैसे पैसे कमाता है? मेंडिंग आवर शूज, हमारे शूज को सही करके। जब हमारा जूता खराब होता है हम जाते हैं ना उनके पास, कॉबलर के पास, कॉबलर मेंड माई शूज। फिर जब वो हमारा शूज़ मैनिंग करके हमें देता है, हम उसको पैसे देते हैं ना, तो फिर वो कैसे पैसे कमाएगा? मैंडिंग आवर शूज़, हमारे शूज़ मैंडिंग करके। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैंडिंग आवर शूज़। आप प्लम्बर अर्न्स मनी बाय, प्लम्बर कैसे? आप प्लम्बर अर्न्स मनी बाय, जो प्लम्बर है वो कैसे पैसे कमाता है? टीचिंग करके नो, फिक्सिंग आवर टैप्स एंड पाइप्स, जो हमारे टैप्स होते हैं और पाइप्स होते हैं उनको फिक्स करके वो पैसे कमाता है। कैसे प्लम्बर पैसे कमाता है? फिक्सिंग आवर टैप्स एंड पाइप। तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे? फिक्सिंग आवर टैप्स एंड पाइप्स। आप पुलिस मैन अर्न्स मनी बाय, पुलिसमैन कैसे अब अर्न मनी करता है? सेलिंग वेजिटेबल्स नो, प्रोटेक्टिंग अस, क्या करता है? प्रोटेक्टिंग अस करके। आर टीचर अर्न्स मनी बाय टीचिंग, आर टीचर अर्न मनी बाय टीचिंग। अब हम इसको एक दफा पढ़ते हैं। आ ग्रीन ग्रोसर अर्न्स मनी बाय सेलिंग वेजिटेबल्स, आ डॉक्टर अर्न्स मनी बाय ट्रेडिंग अस, आ फार्मर अर्न्स मनी बाय ग्रोइंग फूड फॉर अस, आ कॉबलर अर्न्स मनी बाय मेंडिंग आवर शूज, आ प्लम्बर अर्न्स मनी बाय फिक्सिंग आवर टैप्स एंड पाइप्स, आ पुलिसमैन अर्न्स मनी बाय प्रोटेक्टिंग अस, आर टीचर अर्न्स मनी बाय टीचिंग। आप सब बच्चों को ये नज़र आ रहा है ना, आप सब बच्चों ने इसको पेज नंबर 34 को और 33 को अपने घर में सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स।